सीयूईटी का आंसर की रिलीज हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। द बिगेस्ट अपडेट फॉर सीयूईटी इज हियर। इसमें मैंने पहले भी वीडियो दिया था जहां ये बताया था कि सीयूईटी का आंसर की रिलीज हो रहा है। इस बार ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस बार ये बात खुद जो यूजीसी के चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार कह रहे हैं। आप देखोगे सीयूईटी आंसर की चैलेंज डेट्स रिलीज सून से यूजीसी चीफ, जहां पर उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से लिखा हुआ है। बट अगर आप यहां देखोगे तो एम जगदीश कुमार ने साफ साफ लिखा हुआ है फॉर सीयूईटी यूजी एनटीए विल सून अनाउंस द डेट्स फॉर आंसर की चैलेंज। द कैंडिडेट्स हु आर अनसैटिस्फाइड विद द आंसर की मे चैलेंज द सेम बाय पेइंग अ नॉन रिफंडेबल फी फॉर द एनटीए अनाउंसमेंट ऑन द आंसर की चैलेंज। प्लीज विजिट cut.samajh.ac.in। जब आप इसको विजिट करोगे तो आपको यहां पर कोई अपडेट नहीं मिलेगा, कोई अपडेट नहीं है। न्यूज इवेंट्स में भी आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स में भी कोई अपडेट नहीं मिलेगा, पब्लिक नोटिस में भी कोई अपडेट नहीं मिलेगा। बट दैट मींस कि बाय द एंड ऑफ जून और जुलाई फर्स्ट वीक में आपके पास आंसर की अवेलेबल होगा। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, वो आंसर की ऐसे मार्क्ड होता है कि आपको देखना पड़ता है कि योर रिस्पॉन्स एंड द राइट आंसर ऐसे मैचिंग करना होता है। और आप एक लिस्ट बना करके आप जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा ₹200 देकर के आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। 3 या 4 दिन का टाइम होता है और फाइनल रिस्पॉन्स आपके पास आएगा नहीं, बाद में आता है। इसके 3 या 4 दिन बाद फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो एक अपडेट ये भी हो सकती है कि CUT के आंसर की के बाद जो रिजल्ट है वो 5 या 7 जुलाई तक आपको CUT का रिजल्ट भी आपके पास आ जाएगा। सो फॉर कंप्लीट अपडेट्स फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग CUET, please subscribe the channel and please like the video too. Thank you so much.